Assalamu alaikum and hey friends, welcome back to my channel and those who are new, welcome to my channel. So friends, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे. तो आज ना मेरे घर पे है पार्टी, यस. और आज ना मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं, इंडियन, बांग्लादेशी और नेपाली. और उसके अलावा आज पार्टी क्यों है वो इसलिए कि ना ग्रेजुएशन पार्टी जो मैंने इमोन के साथ सेलिब्रेट की थी ना, इमोन की ग्रेजुएशन हुई थी, फिर मेरी एक और नेपाली फ्रेंड है उसकी भी ग्रेजुएशन हुई थी, लेकिन पार्ट टाइम की वजह से, कोरोना की वजह से हम लोग मिल विल नहीं पाए. तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मेरे घर सबको इन्वाइट करूँ, और जिसे हम सब हमेशा मस्ती करते हैं, इंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं, तो वो सारे सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि बहुत मतलब घर बड़ा है, सब इंजॉय कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं. तो इसलिए मैंने सोचा कि आज ना क्यों ना कुछ स्पेशल डिश पकाऊं. तो वो स्पेशल डिश है मुर्ग मसालम, और वो फर्स्ट टाइम मैं ये रेसिपी पकाने जा रही हूँ. फुल चिकन की होती है, तो आज मुर्ग मसालम पार्टी है कोरिया में. तो अभी ना हम लोग चलते हैं किचन में और मैं सारी तैयारियाँ कर दूँ, क्योंकि बाहर भी हम लोग खा सकते थे लेकिन बाहर खाने में वो मज़ा नहीं है जो घर पे होता है. रिलैक्स होके खाओ, इन्जॉय करो. तो मैं आप लोगों को भी हर जगह लेके जाऊँगी, मेरे फ्रेंड्स और आप सब, हम सब एक साथ इन्जॉय करेंगे. सो लेट्स गो टू किचन फर्स्ट एंड देन मैं अपने आप को तैयार करूँगी, और फिर पहले खाना तैयार करूँगी, फिर अपने आप को तैयार करूँगी, और फिर सबको दिखाऊँगी आप लोगों को. अभी तक कोई आया नहीं, ठीक है, लेट्स गो. तो यहाँ पे ना मैं मुर्ग मुसल्लम डिश पका रही हूँ, और उसके लिए मैंने चिकन को मैरिनेट करके फ्राई करने लग गई हूँ, और इधर ना मैंने प्याज को भी फ्राई किया. मैं फुल रेसिपी नहीं देने वाली क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी. यहाँ पे मैरिनेटेड सॉस और जो मेरा किचन के हालात है ना, ये टिक्कियाँ वो मैं दिखा रही हूँ आपको. ट्यूना फिश की टिक्कियाँ बना रही थी मैं, और उसके अलावा चिकन जो है ऑलरेडी फ्राई हो गया था तो मैंने इसको उलट के पलट दिया. और उसके बाद यहाँ पर भी कुछ क्या क्या पता नहीं डाला था यार, और इसमें ना फिर मैंने इसको थिक करके पका के उसमें ना फिर चिकन डालना है मुझे. तो चिकन को मैं ऐसे ही नहीं डालूंगी, मैं ना इसमें फिलिंग कर रही हूँ आलू की, जिसमें मैंने प्याज और ग्रीन चिल्ली, हरा धनिया डाला है, और इसमें काजू बादाम डालने वाली थी, लेकिन काजू बादाम ना रोमी और लूसी देख के पागल ही हो गए, और क्योंकि ये दोनों ना बादाम बहुत शौक से खाते हैं और इतना पागल हो गए, पीछे पड़ रहे हैं ये देखो रोमी और लूसी. तो अभी ना इस सारे काजू और बादाम और आलू जो है उसको मिक्स करके इसके अंदर डाल दिया मैंने, और फिर मैंने इसके अंदर सिर्फ दो अंडे डाले, और इसको ना हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे. और अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो मुझे बताना, मैं अलग से व्लॉग बनाऊं कभी तो आपको रेसिपी दे दूंगी, और अगर नहीं चाहिए तो ओके, इट्स ओके. और ये ना मैंने इसमें चिकन डाल दिया है, और इसमें पानी भी डाल दिया थोड़ा थोड़ा पानी, ताकि चिकन सॉफ्ट हो जाए, और मैंने इसको बहुत देर तक पकाया था. और जब ये थिक हो गया ना सालन, तो इसमें मैंने क्या किया, जो जो स्पाइसी खाना चाहते हैं मेरे दोस्त, उनके लिए मैंने चिलीज़ डाल दिए, और उसके बाद मैंने मक्खन डाल दिया, और अभी बस दम पे रख दिया एंड दिस इज़ रेडी टू गो. और अभी ना मेरी फ्रेंड्स जो है नेपाली वो आ गए हैं, तो लेट मी शो यू. हाय, ये दोनों हैं नेपाल से, और बहुत सारे लोग इनको ऑलरेडी जानते हैं. क्या नाम है, अपने नाम बताओ. छेजी और यांगडी, एंजॉय करो. हम काम कर रहे हैं, अभी चिकन बनाते हैं. तो मेरे सर पे बहुत सारा काम हो गया था, तो इमोन ने मेरी यहाँ पे हेल्प की. उस बेचारे ने मुझे बहुत रोटियाँ बना के दी, और 20 पता नहीं 15-20 रोटियाँ बनाई थी. थैंक यू सो मच इमोन. और ये चिकन जो है वो मैं होम प्लस से लेके आई थी, सीपी ब्रांड का, जो कि हलाल होता है, तो इसलिए वो. और यहाँ पे वीडियो बनाते बनाते अनुपम आ गया था, तो तो यहाँ पे टिक्कियाँ जो है वो खूबसूरत सा कलर आ गया है. तो ये रेडी है टिक्कियाँ आलू और ट्यूना फिश की, एंड ये चिकन जो मैंने फ्राई किया था, और बहुत टेस्टी है चिकन दिखने में. और ये रहो, ले लो इमोन चिकन. और ये सारी रोटियाँ ना इमोन ने बनाई है, कैन यू इमेजिन, मतलब इतना होनहार लड़का है इमोन. और ये सब लोग मस्तियाँ कर रहे थे तो मैं खाना लेके आ रही थी, और ये मैंने पूरा चिकन ना 2 चम्मच से उठा के ट्रे में लगाया, और फिर ना मैंने इसको ना ऐसे सालन जो है वो साइड साइड में लगा दिया, और बहुत खूबसूरत सी ट्रे रेडी. हे अनुपम फ्रॉम दिल्ली. अबे और क्या, फिर से नए नए लोग आते रहते हैं. नए मैं दिल्ली से आज फिर आया.
ये हमेशा दिल्ली से आता रहता है. पार्टी टाइम. कांग्रेचुलेशंस यांगनी. तुमने बहुत अच्छा किया. 3-4 साल बहुत मेहनत लगी होगी. कांग्रेचुलेशंस इमान अगेन. मेरा तो सर्टिफिकेट ही नहीं मिला अभी तक. मुर्ग मुसल्लम पार्टी. मुर्ग मसल्लम. पता नहीं क्या एग्जैक्टली नाम है. इस डिश का नाम है ये मुर्ग मसल्लम. मुसल्लम. तुम्हें इंडियन है? ऐसे सुना हुआ है मैंने भी कहीं. मुर्ग मसल्लम. अबे फेंकू. यांगनी तुम क्या खा रही हो? चिकन. यस. और जी को नोट करो क्या कर रही है. भाई साहब सर्व कर रही हूँ. सर्विंग. अभी टाइम बिल्कुल नहीं है हमारे पास. बाद में करेंगे. ओके ओके. माशित के थे से यो. नहीं अभी तुम दोनों तो कुछ बोलो. क्या मतलब? नहीं चाहिए. टांग चाहिए. टांग चाहिए मुझे. अपनी दे भाई. मैं नहीं दूंगा. तुम्हें टांग पसंद है यांगनी? बहुत पसंद है. अंडे भी डाला हुआ है. नहीं अंडे से अंदर ही था. जीती रहो. खुश रहो. मस्त रहो. जहाँ रहो आबाद रहो. ये कितना टाइम लगा यार? बहुत घंटे. 3-4 घंटे पक रहा था. पक रहा था इसलिए सॉफ्ट चिकन. बहुत बढ़िया. रोटी तो बहुत सॉफ्ट किया यार. अच्छा है रोटी. मसाला इसका गजब है. ग्रेवी गजब. वाकई में अच्छी चीजें जो होती हैं उसमें टाइम लगे तो और अच्छी हो जाती है. टाइम लगे तो अच्छी बन जाती है. सादिया के वीडियो में एक तो शुरू से हम लोग मस्ती कर रहे थे. चलो अपनी लाइफ के बारे में लोगों को बताते हैं हम लोग कैसे जी रहे हैं ये सब फलाना ढमकाना. तो वो चीजें मतलब कोई तामझाम नहीं है उसमें. कोई अननेसेसरी स्टफ नहीं है. अननेसेसरी कोई वो मेकअप जो है वो डालती है. हाँ तभी तो हम लोग साथ में खाना खा सकते हैं. साथ में बैठ सकते हैं. बात कर सकते हैं. मस्ती कर सकते हैं. गाना गा सकते हैं. डांस सकते हैं. सब करते हैं ना. फिलहाल भी हम वीडियो कर रहे हैं पर हम कंफर्टेबल है ना इसके वीडियो पे. और कोई कैमरा को लेकर के हमारे अंदर कोई टेंशन नहीं है. वैसे भी टेंशन मुझे तो नहीं है कभी. मेरे पागल दोस्त है ये सारे कैमरा को लेकर. खा रही हूँ फिर भी मुझे कम्फर्टेबल लग रहा. तुम बताओ. मुझे मैं बहुत सारे ब्लॉग देखता हूँ जैसे जो अमेरिकन कंट्री में हो या फिर इंडिया में जो हो ब्लॉगिंग कर रहे या फिर पाकिस्तान में जो ब्लॉगिंग कर रहे या फिर इंटरनेशनल जो इंडियन बांग्लादेशी और पाकिस्तानी जो ब्लॉगिंग कर रहे. लेकिन साथ ही ब्लॉग में सबसे यूनिक चीज ये है कि मैंने दूसरे शायद कोई ब्लॉग में ऐसे नहीं देखा कि इंडिया बांग्लादेश और पाकिस्तान या नेपाल सारे एक फ्रेंडली एनवायरमेंट में बैठ के खा रहा है. कोई ब्लॉग ऐसे नहीं देखा मैंने अभी तक. ये वीडियो यूट्यूब के चलते बनाई गई इमेज बिल्कुल नहीं है. हाँ हाँ हाँ. ये पहले से बनी हुई शायद है. शायद ये हम लोग ऐसे सारे कंट्रीज बैठ के शायद 10 वीडियो ही बनाए होगा. लेकिन शायद ऐसा होगा 200-300-400 बार हम लोगों ने एक साथ ऐसे खाए. हम बहुत सालों से फ्रेंड्स है लेकिन यूट्यूब मैंने बाद में शुरू किया था. क्योंकि ऐसे नहीं यूट्यूब के लिए आंखों में आंसू आ गए. यांगनी की आंखों में आंसू आ गए. अरे ये बहुत यूनिक चीज है. ये बहुत यूनिक चीज है. कहीं मतलब मुझे ऐसा तो नहीं कि हम लोग ही फॉरेन कर रहे. बहुत सारे ऐसे है जो कनाडा में रहते हैं फिर इंग्लैंड में रहते हैं दूसरी जगह पर रहते हैं ब्लॉगर. रोने देगा एकदम. बोले जा रहा है रोने भी नहीं दे रहा यार. अभी बेचारे की आंखों का आंसू प्लेट में गिर रहा है. रायता बन रहा है. कर रहे हैं मेरे दोस्त. अनुभव कुछ कर रहा है. हाँ भैया नहीं करने वाले थे लेकिन इसने वीडियो बनाया कैमरे के सामने. अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के यार. मतलब की काम तो करना ही पड़ेगा. गर्मी में स्टाइल के लिए जैकेट भी पहन के निकलते हैं. लोग बाहर गर्मी में मर रहा है. ठंडी लगी है. ठंडी बहुत ठंडी है. जाड़ा लगा है. जाड़ा चादर की तरह. तुम लोग बातें रिकॉर्ड कर रहे हो. क्या बातें रिकॉर्ड की हमारी आज तुमने? अच्छा तो अभी आपने लिपस्टिक लगाई है. नहीं नहीं तो अभी ना हमने खाना वाना खा लिया है और सैडली अनुपम को जल्दी जाना पड़ रहा है आज. यार हाँ मुझे रीडिंग के लिए कहीं जाना है. ऑडिशन हो जा रहा है. इतना बड़ा हो गया अभी तक रीडिंग राइटिंग ही चल रही है. अबे मेरी रीडिंग राइटिंग चलती रहेगी क्योंकि फ्यूचर रीडिंग राइटिंग में ही है. ये एक्टर है अनुपम. तो अभी जा रहा है काम पे और हम सब फिर बाद में चाय पीते हैं. ये बस कॉफी पी के ही निकल रहे हैं. सो हम बाद में चाय पीते हैं और क्या क्या एंजॉय करेंगे. मजा आता होगा. हाँ यहाँ पे अभी हम छह जी क्या करेंगे. अभी हम फिलहाल यूट्यूब में कुछ देख रहे हैं. तुम क्या देखना चाहती हो आज? हम हाँ नेटफ्लिक्स में देखना चाहेंगे आज. अच्छा अच्छा. और यांगनी देखो क्या देख रही है.
क्या कर रही हो? ये देख रही हूँ, खिंचा ना खिंचा आज की वीडियो। हाँ हाँ, हमने कुछ साथ में 250 और नेचुरली अच्छी लगती है ना, 250 शो कूल लगती है। हमारे शो का नाम है जिसमें ना चाय बनाई है, तो कैसी है चाय? जली हुई अच्छी है, जलेबी है, जलेबी जलेबी है। हम ना ये चलाएंगे कैंडल, खुशबू वाली कैंडल। खुशबू के चक्कर में नाक ना जला दो, ऐसा इसेंस वाला है। ऐसे सांस ली के ही बंद हो रही है। खुशबू है इसमें, हाँ है। जल गया इस बार का, लॉस खा गया। ये कहाँ से है? यार जली हुई चाय, वही तो मैं बोलो जल गया। इन लोगों को अच्छी लगी? मुझे तो अच्छा नहीं, मुझे तो टेस्टी नहीं। ये नेपाल में इन लोगों ने बोला कि नेपाल में ऐसे स्टाइल की चाय पीते हैं, थोड़ी स्मोकी स्मोकी टी। स्मोकी ज्यादा ही जला दिया, पता नहीं कैसे। यंगडी तुम भी आओ ना, यंगडी तुम नहीं भी आओ ना हमारे वीडियो में, इधर आओ तुम, थोड़ा सा इधर आ। मेरी पेट इधर उधर हिल नहीं रही ना, पता है मेरा भी कल से। जैसे कि कैसे हो आप? कोस्तो कोस्तो इतना छोटा? नहीं नहीं अबे तुम्हें क्या लंबी है, एक ही बार सिखा लो। कोस्तो छ छ तपाईलाई कस्तो छ तपाईलाई। यस, और ये उल्टा भी हो सकते है, तपाईलाई कस्तो छ, तपाईलाई कस्तो छ। तपाईलाई कस्तो छ, जो भी नेपाली लोग देख रहे हैं, बहुत सारे नेपाली लोग देखते हैं वीडियोस। नेपाल सलाम नमस्ते, नमस्ते बोलते हो तुम लोग? नमस्ते, इंडिया में भी नमस्ते, नेपाल में भी नमस्ते। और ना मुझे बहुत भूख लगी है, नेपाल में कैसे बोलेंगे? मलाई मलाई भूख लगे, मलाई मलाई भूख लागी राखो छ, लागी राखो छ। यस, मलाई भूख लागी राखो छ, छ नहीं छ छ छ, तो बांग्लादेशी से है ना, छ छ छ छ छ छ। मलाई भूख लागी राखो छ, मलाई भूख लागी राखो छ, मलाई भूख लागी राखो छ, मतलब मुझे भूख लगी है। बांग्लादेश में कैसे बोलेंगे? खुदा लक्ष्य, खुदा लक्ष्य, खुदा लक्ष्य, खुदा लक्ष्य। बांग्लादेश में और पाकिस्तानी, पाकिस्तान में भूख लगी है, और कोरियन में फेकुपायो, फेकुपायो, फेकुपायो। सिंधी में मुख्य खाना मोकलो, सिंधी में मुख्य भूख लगी है, मुख्य भूखे लगी है। और बलोची में क्या बोलेंगे? नागन बरसा। बलोच में क्या बोलेंगे? नागन वाली में लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो अभी ना है। निस्किने है अबो इक्सिन में माँ 15 मिनट पक्षी 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 मलाई ता अलसी लग्यो। मलाई ता अलसी लागी मीन्स आई एम फीलिंग बोर्ड। अलसी अलसी मतलब बोर्ड गर्छ। मु चाहे क्वाइन गन्दै छु, गन्दै के में मुडल ऐसे कुछ है, ऐसा कुछ है। हां, गिन रहा है, गिन रहा है क्वाइन, गिन रही। तो जी फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आप सबको अच्छी लगी होगी, मुझे बहुत मजा आया। एंड थैंक यू सो मच मेरे सारे फ्रेंड्स को आने के लिए, एंड एंजॉय करो सब, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, खुदा हाफिज़।